सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज वीडियो को टक से लाइक कर दें। मैंने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो, उसे घमंड और गर्मी किस बात की? और किसी ने पूछा, यह मिर्च किस मौसम में लगती है? मैंने कहा, इसका कोई मौसम नहीं, जब सच बोलो तब लगती है। और छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना, जब जान से प्यारे लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कदम खुद गलत करता है और दोष ईश्वर को देता है। दो कौड़ी की बात में परमात्मा की झूठी कसम खाना, किस्मत सबकी अच्छी होती है लेकिन फल कर्मों का मिलता है। एक विश्वास ही तो परमात्मा है, कर्म करने से लिखी हुई रेखाएं भी बदल जाती है। और दोस्तों, किसी का स्टेटस देखकर उसे जज मत किया करो। अरे किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, स्टेटस मूड पर डिपेंड करता है, लाइफ पर नहीं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। और दर्द कितने भी हो, दिल में मुस्कुराते रहिए। अगर गिरा एक भी आंसू तो तमाशा हो जाएगा। अरे पूछने वाले तो कम मिलेंगे, मगर वजन जानने वालों का तांता लग जाएगा। जिसके साथ बात करने से खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया है। और ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। शक करने से शक ही बढ़ता है, विश्वास करने से ही विश्वास बढ़ता है। ये आपकी इच्छा है कि आप किस तरफ से बढ़ना चाहते हैं। और किसी ने बुद्ध से पूछा, ध्यान से तुमने क्या हासिल किया? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं, बल्कि मैंने वो कुछ खोया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने क्या खोया, क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा, बुढ़ापे का डर और मृत्यु। और किसी के कोसने या सोचने से कभी बुरा नहीं होता। अरे होता वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है। और बचपन के खिलौने आवाज दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, कैसा लगता है जब लोग तुम्हारे साथ खेलते हैं? और दर्द को मुस्कुराकर सहना क्या सीख लिया? लोगों को लगता है कि मुझे अब तकलीफ नहीं होती। जो इज्जत देगा उसे इज्जत मिलेगी। हम हैसियत देखकर सर नहीं झुकाते। और अगर आपकी सोच खूबसूरत है तो कुछ भी गलत नजर नहीं आता, सब कुछ अच्छा ही नजर आता है। बड़ी सस्ती है मौत साहब, हर मोड़ पर मिल जाती है। अरे कीमत तो जिंदगी की तलाशने में है, पूरी उम्र गुजर जाती है, कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। और दोस्तों, आधा जीवन दूसरों को आकर्षित करने में खो जाता है और बाकी आधा हिस्सा दूसरों के कारण हुई चिंताओं से गुजरने में खो जाता है। ये नाटक छोड़ो, आप काफी खेल चुके हो। और इंतजार करने वालों के लिए समय बहुत धीमा होता है और डरने वालों के लिए बहुत तेज। और हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी
हम फैसले भी गलत ले लेते हैं। पैसा तो बस जीने के लिए होता है, हंसने के लिए तो हमेशा दोस्तों की जरूरत पड़ती है। और हम अच्छे हैं ये बुरे हैं वो तो मेरा रब ही जानता है, पर तुम जैसे से तो ऊपर वाला ही बचाए। और अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं, कुछ बातों के मतलब हैं और कुछ मतलब की बातें हैं। जब से फर्क समझा जिंदगी आसान हो गई। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता है तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने पर समझ आती है। और इंसान की आदत है कि नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कद्र नहीं करता। और जिंदगी में हर एक पल का फायदा उठाना चाहिए।